the effect of factors which affect of ionization and enthalpy. ओके अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका नाम है सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप फिर ऑर्बिटल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमेट्री होती है और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और 110% मिलेंगे। 100 तो और भी लेता है, 110 होता है जब ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होता है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर, हाफ फिल्ड है, सपोज कीजिए मेरे पास पी ऑर्बिटल है तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, थ्री, px, py, pz। फुल्ली फिल्ड होगा तो हमारे पास ये कंप्लीट फिल होंगे, इस टाइप से पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिर यहां, जैसे फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड में p 3 रखेंगे तो ये हमारे पास होगा इस टाइप से p p p। ओके, अब देखते हैं इसमें होता क्या है, यहां से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अगर इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जरूरत होती है, मोर रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर, तो ये भी फैक्टर एक होता है। जैसे क्वेश्चन आता है आपका, गिव द रीजन एंड हैज एंड रिक्वायर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। क्लियर, अब देखेंगे क्यों होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p3 यहां पे आएगा 2p4 बाकी तो सेम आएगा सर, है ना, 1s2 2s2 तो सेम है दोनों में, यहां पे 2p3 और यहां 2p4। क्लियर हो गया, अब आप बनाएंगे p3, p3 ऑर्बिटल इस टाइप से होते हैं और ये भी टाइप का हाफ हाफ है ना, यहां p4 है 1 2 3 और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने पर ही तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे तो ये और खुश हो जाएगा, क्यों कहेगा एक इलेक्ट्रॉन को रखने के चक्कर में ये पार्शियली फिल्ड में आ रहा था, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से लूज कर लेंगे तो हमारा कम से कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, किसका, इसका। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही अपना फिल है, अब कहां किसी दूसरे को साथ में लेके घूमेंगे या अपना इलेक्ट्रॉन क्यों निकालें, तो ये सिमेट्री इफेक्ट करती है इस बात पे कि रिक्वायरमेंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी या फिर ज्यादा होगी, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ड्यू टू हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गई बात, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्यों होगी, ड्यू टू हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। वन मोर एग्जांपल, आपके पास है बेरिलियम और आपके पास है बोरॉन। क्लियर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, दोनों में से कौन रखेगा हाईर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा रखेगी कौन, बेरिलियम। रीजन 1s2 2s2, आपने यहां बनाया 1s2 2s2 2p1। क्लियर हो गया, और यहां p के लास्ट में एक तो लास्ट है, ऊपर से एक ही इलेक्ट्रॉन, कौन इसे लेके चलेगा अपने साथ, और कोई इसे आसानी से लूज कर देगा, कम एनर्जी में ही ले जाओ। लेकिन यहां पे क्या होता है, s, एक तो s ऑर्बिटल वो भी कंप्लीट फिल्ड है ना, तो बस यही कहना चाह रहे थे कि सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
affect the value of all Madison energy, which is half filled or partially filled electronic configuration, they have greater value of all Madison energy for first electron in comparison of other element. ठीक है, कोई problem? Question? ये तो complete हो गया आपका यहाँ तक का. ठीक है, अब आप देखेंगे variation. वेरिएशन कैसे होता है अलोंग द ग्रुप. वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड. आपने पढ़ा है अलोंग द पीरियड वेरिएशन क्या होगा आपका. अलोंग द पीरियड बताइएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी. अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. Along the group decreases because atomic size increases. है ना, कोई problem? Formula तो हम पहले ही सबसे पहले video में हमने लिखा था, कौन सा ionization energy inversely proportional to atomic size. और हम अच्छे से जानते हैं atomic size हमारा क्या होता है, along the period कम होता है. ठीक है, और along the group ज्यादा होता है. तो जहाँ कम atomic size होगा वहाँ ionization energy ज्यादा होगी, जहाँ atomic size ज्यादा होगा वहाँ कम होगी. Okay?